सब्सक्राइब कीजिए गार्डनिंग लवर विद आकाश चैनल को और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए मेरी गार्डनिंग वीडियो सबसे पहले देखने के। हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने गार्डनिंग लवर विद आकाश चैनल पे। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके सामने एक प्लांट रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये छुई मुई का प्लांट है। आज मैं इस प्लांट के ऊपर आप लोग से बात करूंगा, छुई मुई प्लांट के ऊपर इसकी रिपोर्टिंग करूंगा। मैं आप लोग को दिखाऊंगा इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, इसको किस तरह की सॉइल पसंद आती है, इसको कैसा कैसा एटमॉस्फेयर पसंद आता है, इसको कहां पर स्पॉट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लांट होता है, इसके साथ खेलने में काफ़ी अच्छा लगता है छुई मुई का प्लांट। इसकी लीव्स को छूते हैं, लीव्स सारी बंद हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा तेज़, अगर आप इसको प्लांट को हिला दें या ज़्यादा तेज़ हवा चल जाए तो इसकी जो डंडी पे वो भी डाउन हो जाती है एकदम से, जैसे बैठ जाती है, जैसे इनके अंदर सेंसेशन होती है, इनको छूने से सारी पत्तियां बंद हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने सारी लीव्स इसकी छू दी तो बंद हो गए, अभी कुछ 10 मिनट बाद ये लीव्स सारी अपने आप ओपन हो जाएंगे और अच्छे से पूरी लीव्स सारी खुल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं पहले इस प्लांट के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको छुई मुई प्लांट कहते हैं, जैसे कि हम लोग पता, और इसको टचमी प्लांट भी कहते हैं। ये फ्रेंड्स जंगली प्लांट होता है, नॉर्मल गाँव में हम ऐसे उगाते हैं, लेकिन हम लोग के पास जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर सिर्फ नर्सरीज में देखने को मिलता है। और इस प्लांट की प्रोपोगेशन दो मेथड से की जा सकती है। एक सबसे नॉर्मल मेथड होता है, इसकी सीडलिंग से हम लोग प्रोपोगेशन कर सकते हैं। इसकी सीडलिंग हम लोग कभी भी लगा सकते हैं, नॉर्मल ठंड को छोड़ के, ठंड के पहले हम लोग कभी भी इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। सीडलिंग के लिए बेस्ट बाहर में हम लोग सीडलिंग कर सकते हैं, या तो जब बरसात होती रहती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है एटमॉस्फेयर में, तब हम लोग इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए ये पॉलिथीन में छोटी लगा रूट बाउंडिंग हो रही है, इसकी रूट्स नीचे से बाहर आ रही है, इस वजह से इसकी लीव्स भी थोड़ी येलो पड़ रही हैं। तो चलिए पहले मैं इसको अपने पॉट में लगा लेता हूँ, फिर आगे आप लोग साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं पॉलिथीन से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हम लोगों ने इसको पॉलिथीन से निकाल लिया। नीचे आप देख सकते हैं इसकी रूट बाउंडिंग काफ़ी अच्छे से हो रही थी, इस वजह से इसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही थी अच्छे से। तो चलिए अब इसकी सॉइल को बात कर लेते हैं, इसको किस तरह की सॉइल में देना है। तो फ्रेंड्स, इसको बहुत ही कोई नॉर्मल गार्डन सॉइल, वेल ड्रेन सॉइल में लगा दें, इसको कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की नीड नहीं होती है। इसको आप जितना बड़ा पॉट देंगे उतना ज़्यादा ये ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी इसमें 6 इंच के पॉट में मैं इसको लगा रहा हूँ प्लास्टिक पॉट में। आप जितना बड़ा इसको 10 इंच का भी पॉट देंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये बुशी प्लांट हो जाता है। इसकी टाइम टाइम पे प्रूनिंग करते रहे तो ठीक शेप में रहता, नहीं तो एकदम झाड़ जैसा हो जाता देखने में। तो मैंने इसमें सॉइल नीचे भर लिए बेस पे, ड्रेनेज होल मैंने कपड़े से कवर कर लिया और सॉइल भर लिए। तो चलिए अब इस प्लांट को लगा लेते हैं। मैंने आपको सॉइल के लिए बता दूं, मैं आप 30% सैंड लीजिएगा, 50% गार्डन सॉइल लीजिएगा और 20% वर्मी कंपोस्ट या काउडन कंपोस्ट आप ले लें, इसके लिए इतनी सफिशियंट होगी। अब इसको 6 महीने बाद ही फर्टिलाइजर देने की नीड होगी, इसको बस टाइमली वाटरिंग करते रहिए, इससे बहुत ही हैप्पीली ये प्लांट ग्रो करता रहेगा। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ, फिर आगे आप लोग शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने ये प्लांट लगा लिया अपना पॉट में, जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मैंने लगा लिया, स्ट्रेट प्लांट है बिल्कुल। कोशिश करूँगा कि ऊपर जाके बुशी हो, नीचे से एकदम बुशी होना ना चालू हो जाए, टाइम टाइम पर इसकी प्रूनिंग करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं हम लोग इसके स्पॉट की बात कर लेते हैं, इसको किस तरह का स्पॉट पसंद है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोगों को फुल सन में रखना है, जितना ज़्यादा आप इसको सन में रखेंगे उतना ज़्यादा ये प्लांट ग्रो करेगा, उतने अच्छे से प्लांट हेल्दी रहेगा। अगर आप इसको शेड में रख देते हो तो धीरे धीरे प्लांट ख़राब होने लगता है, गलने लगता है और फिर एक टाइम आता है ये प्लांट बिल्कुल ख़राब होकर मर जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप जितना ज़्यादा धूप में रखेंगे उतना अच्छे से ये ग्रो करेगा, उतने अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होगी और सीड भी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ये तो प्लांट छोटा है, जब प्लांट थोड़ा बुशी हो जाएगा इसमें ब्रश टाइप की पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं छोटे छोटे, देखने काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं और फिर इसी से सीड भी, उसी फ्लावर के थ्रू सीड भी उसमें बनते हैं। तो मैंने पहले सीड से काफ़ी प्लांट जनरेट किए, लेकिन कुछ टाइम पहले सारे प्लांट मेरे ख़राब हो गए, तो मैं एक प्लांट लेके आया हूँ, इसको मैं इससे काफ़ी सारे प्लांट मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं। और इसकी कटिंग भी लगाई जा सकती है, कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है यंगर शूट से। जैसे कि यहाँ से अगर मैं इस प्लांट को कट करके लगा देता हूँ तो ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगा,
लेकिन कटिंग का लगाने के बाहर में लगाना चाहिए, या तो जब रेनी सीजन हो तभी लगाना चाहिए। कटिंग ऐसे नॉर्मल सक्सेसफुल नहीं होती है। अगर आपने ठंड में कटिंग इसकी कर देते हैं तो प्लांट को भी शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा प्लांट में ग्रोथ कम होती है। तो इस ठंड में हम लोग को उसकी कटिंग कभी भी नहीं लगानी है। सीडलिंग भी हम लोग को इसकी ठंड में नहीं करनी है। बाकी आप सीडलिंग इसकी जब भी मौसम थोड़ा हल्का सा ठंडा हो, नमी थोड़ी सी एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा मॉइस्चर हो, आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा छुई मुई प्लांट को। बस मैंने डिटेल बात आप लोग को बता दी कि छुई मुई प्लांट की केयर कैसे करते हैं, उसको किस तरह का सॉइल मीडिया पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, बाय टाटा। मैं नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ आपको किसी अनदर वीडियो के साथ किसी न्यू इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय।